धजाराम की घरवाली खेत में उसके लिए रोटियां लेकर गई। बैलों से खेत जोत रहे थे। यूं तो बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, पर फिर भी गुजारा हो जाता है, मेहनत बहुत करता है। गरीब है पर मन का बहुत अच्छा है। रोटियों का डिब्बा खोलकर उसने देखा 6 रोटी और ऊपर चटनी रखी हुई है। उसने नीचे से 2 रोटी निकाली और दोनों बैलों को एक एक खिला दी। धर्मपत्नी कहने लगी, इनके लिए तो मैं चारा लाई थी, इन्हें रोटियां क्यों दे रही? अरे भगवान, इन्हीं की वजह से हमें ये रोटियां मिल रही हैं। ये मेहनत ना करें तो फसल ही ना तैयार हो। धजाराम की बात अनसुनी कर श्रीमती जी ने धजाराम को खाना खाने के लिए कहा। धजाराम ने 2 रोटियां अपने लिए और 2 श्रीमती जी के लिए रख दी और दोनों ने चटनी आधी आधी बांट ली। कहने लगा, अरे लो, तुम भी खाओ, तुम्हारी वजह से ही तो मुझे ये रोटियां मिल रही हैं। मैं तो निखालिस अनाज ही पैदा करता हूँ, साफ सफाई, पिसाई और फिर रोटी बुनाई, ये सब तो आप ही करती हैं ना। दोनों खाना खाना शुरू कर ही रहे थे कि इतनी देर में महात्मा जी आ धमके। राम राम महात्मा जी, सही समय पर आए हो। और धजाराम ने अंगोछा बिछा दिया, लो लो आप भी खाना खाओ। दोनों की एक एक रोटियां लेकर महात्मा जी के आगे रख दी। महात्मा जी हंसने लगे, अरे खाओ भाई, आप बहुत मेहनत करते हो। नहीं नहीं महाराज, संतों का सम्मान तो करना ही चाहिए। इतनी ही देर में पीछे से लाला जी भागे भागे आए। अरे महात्मा जी, बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हो, मैं कब से पीछे लगा हूँ। आपके लिए बहुत सारा खाने का सामान, व्यंजन, मिठाइयाँ लेकर पीछे पीछे आ रहा था। और लाला जी ने बिना ही कहे टिफ़िन खोला तो उसमें कई तरह की मिठाइयाँ, खीर, सब्जियाँ और पूरियाँ थी। संत जी कहने लगे, अरे मैं तो खाना खा रहा हूँ। नहीं नहीं महाराज, ये सूखी रोटियाँ आपको नहीं खानी चाहिए, ये पकवान खा लीजिए। महात्मा जी हंसने लगे, बात पकवान की और सूखी रोटियों की नहीं है। महाराज, मैं तो एक प्रश्न पूछना चाहता था। सेठ जी ने मन की बात कही डाली, इसकी रोटियों में ऐसा क्या है जो मेरे पकवान भी आप छोड़ रहे हो? और मैं देखता हूँ ये किसान हमेशा खुश रहता है, बहुत पैसे भी इसके पास नहीं हैं, फिर भी ये मेरे से ज़्यादा खुश है। मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, आपकी दया से सब कुछ साधन संपन्न हूँ, पर फिर भी दुनिया भर की बीमारियों ने मुझे उलझा रखा है और घर में शांति नहीं। सेठ जी, ये समझने की बात है, किसान जो काम कर रहा है, धजाराम जो मेहनत कर रहा है, अपनी कष्ट कमाई का खा रहा है, किसी को दुख नहीं दे रहा, किसी से कुछ नहीं ले रहा, बस कुछ न कुछ देता ही है। और दूसरे लोग भी इसे इस्तेमाल ही करते हैं, फिर भी ये बुरा नहीं मानता। और आपने खुद तो कुछ किया ही नहीं, एक से लिया और दूसरे को दिया। बेईमानी का पैसा कभी फलता फूलता नहीं है, बीच में आपने कोई मेहनत तो की ही नहीं। ज़्यादातर व्यापार आज बेईमानी का हो गया है, इसीलिए चारों तरफ दुख तकलीफ हैं। महात्मा जी की कही गई बात आज के समय में कितनी सटीक बैठती है, ये आप भी सोचकर देखना। मुझे तो लगता है मेहनत का पैसा ही फलीभूत होता है, इधर उधर की कमाई कष्ट ही देती है।